हाँ भाई, तो कैसा चल रहा है पढ़ाई आप लोगों का? बढ़िया। चलिए, पिछले क्लास में हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ चर्चा किए थे। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? लीनियस ने दिया। किसने दिया भाई? लीनियस ने दिया, है ना। ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, इसका जरूरत क्यों पड़ा, इस पे बात हो चुका था। आईसीबीएन क्या होता है, आईसीजेडन क्या होता है, इस पे बात हो गया था। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का कुछ रूल है, ठीक है। कुछ रूल के अकॉर्डिंग हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो नेम दे आईसीबीएन या फिर वो नेमिंग दे आईसीजेडन। कुछ सर्टेन फिक्स्ड रूल है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी ऑर्गेनिज्म का नेमिंग करते हैं। तो हेडिंग देंगे मेन रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। क्या हेडिंग देंगे भाई? मेन रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। मेन रूल ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, क्लियर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के कुछ रूल है। क्या रूल है? सबसे पहला, तो कोई भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर या कोई साइंटिफिक नेम हो, उसमें हमेशा दो कंपोनेंट्स होते हैं। क्या? दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहले कंपोनेंट्स को कहते हैं जेनेरिक नेम। क्या कहते हैं? जेनेरिक नेम। और जो दूसरा होता है कंपोनेंट, उसको कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। क्या कहते हैं? स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नेम के लिए नॉर्मली लोग यूज कर लेते हैं जीनस। क्या? जीनस। किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के पास, किसी भी साइंटिफिक नेम के पास दो कंपोनेंट होता है। पहला जेनेरिक नेम, या इसको क्या कहते हैं? जीनस। और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, जिसको कहते हैं स्पीसीज। क्या कहते हैं? स्पीसीज। तो किसी भी बायोलॉजिकल नेम के पास दो कंपोनेंट होता है, जीनस और स्पीसीज। ज्यादा करेक्ट क्या है भाई? जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, क्लियर। लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं जीनस और स्पीसीज। जैसे हम पोटैटो, क्या पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम देखते हैं, तो पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? सोलेनम ट्यूबेरोसम। क्या भाई? सोलेनम ट्यूबेरोसम। सोलेनम ट्यूबेरोसम। ये जो सोलेनम है, ये क्या हो गया? जीनस हो गया या जेनेरिक नेम हो गया, क्लियर। और ये जो ट्यूबेरोसम है, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट, या इसको कहते हैं स्पीसीज हो गया। क्या हो गया? स्पेसीज हो गया। तो किसी भी बायोलॉजिकल नेम के पास दो कंपोनेंट होता है, पहला जीनस और दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट। दूसरा मैंगो देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? मैंगो का बायोलॉजिकल नेम। अच्छा, आपको पता है बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम, अगर वो प्लांट का हो तो हम उसको बोटैनिकल नेम कहते हैं, और अगर एनिमल का हो तो हम उसको जूलॉजिकल नेम कहते हैं, ठीक है। तो मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या है? मैग्निफेरा इंडिका। क्या भाई? मैग्निफेरा इंडिका, क्लियर। तो ये सब हो गया बायोलॉजिकल नेम। तो फर्स्ट रूल हो गया, किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखने के पहले या बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो फर्स्ट रूल है, वो फर्स्ट रूल क्या है? किसी भी साइंटिफिक नेम के पास दो कंपोनेंट होता है, पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। क्या? पहला जीनस और दूसरा स्पीसीज। दूसरा रूल है कि भाई, जो प्लांट का बायोलॉजिकल नेम होगा, प्लांट का जो बायोलॉजिकल नेम होगा, उसमें आप एक ही कंपोनेंट को, एक ही वर्ड को दोबारा से रिपीट नहीं कर सकते हैं। एक बार फिर से, प्लांट्स का देखो फर्स्ट रूल क्या है भाई, कि किसी भी कंपोनेंट के पास, किसी भी बायोलॉजिकल नेम के पास दो कंपोनेंट होता है, जीनस और स्पीसीज। दूसरा रूल है कि भाई, अगर आप प्लांट का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, क्या प्लांट का साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं, तो जीनस और स्पीसीज सेम नहीं होना चाहिए। प्लांट के केस में जीनस और स्पीसीज नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो सकता है मैग्निफेरा। समझना गया? जीनस भी सेम और स्पीसीज का भी वर्ड सेम, ऐसा नहीं हो सकता है। इन प्लांट
जीनस इम्प्लांट जीनस एंड स्पीसीज शुड नॉट बी शेयर शुड नॉट बी शेयर सेम नहीं होना चाहिए क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए क्या डिफरेंट होना चाहिए जीनस और स्पीसीज का जो नेम है वो क्या होना चाहिए डिफरेंट होना चाहिए सेम नहीं होना चाहिए और जीनस और स्पीसीज का जो नेम है वो डिफरेंट होता होगा अगर सेम होता है ना एक ही वर्ड को आप दो बार यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं टॉटोनिम्स क्या कहते हैं टॉटोनिम्स क्लियर क्या कहते हैं टॉटोनिम्स तो टॉटोनिम्स नहीं होना चाहिए प्लांट के केस में ठीक है यानी प्लांट टॉटोनिम्स को सपोर्ट नहीं करता है जबकि एनिमल में टॉटोनिम्स पॉसिबल है क्या एनिमल के केस में अगर आप एनिमल का बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं तो वहां पे टॉटोनिम्स क्या है पॉसिबल क्या टॉटोनिम्स क्या है पॉसिबल है जैसे जैसे नाजा 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 ये क्या है ये पॉसिबल है किंग कोबरा इसको कहते हैं इंडियन कोबरा इसको कहते हैं इंडियन कोबरा का ये जूलॉजिकल नेम है नाजा नाजा एक ही वर्ड को हम दो बार रिपीट कर सकते हैं क्या क्या एक ही वर्ड को दो बार रिपीट कर सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं माने तो जैसे होमो सेपियंस ये ह्यूमन का जूलॉजिकल नेम है हमारा आपका जूलॉजिकल नेम क्या है होमो सेपियंस तो होमो सेपियंस होमो अलग हो गया और सेपियंस अलग हो गया तो अलग अलग भी हो सकता है और सेम सेम भी हो सकता है एक ही वर्ड सेम हो सकता है इसको बोलते हैं टॉटोनिम्स लेकिन प्लांट में टॉटोनिम्स नहीं होता है दूसरा आप एनिमल्स में टॉटोनिम्स समझ सकते हैं किसके थ्रू भाई रैटस रैटस किसके रैटस रैटस है ना रैट चूहा चूहा का ये जूलॉजिकल नेम है रैटस रैटस नेक्स्ट रूल पे हम आते हैं भाई नेक्स्ट रूल क्या है किसी भी बायोलॉजिकल स्पीसीज किसी भी बायोलॉजिकल नेम को जब लिखते हैं ना किसी भी बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं तो वो वर्ड हम लैटिन वर्ड लेते हैं आप कैसा वर्ड लेते हैं भाई लैटिन वर्ड लेते हैं या ग्रीक वर्ड लेते हैं लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड लेते हैं किसी भी नाम को लिखने के पहले किसी भी नाम को जो लिखा जाता है बायोलॉजिकल नेम दिया जाता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो हम लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड लेते हैं सर लैटिन या ग्रीक वर्ड ही क्यों लेते हैं क्या बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन जब भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो लैटिन में लिखते क्यों देखो भाई लैटिन वर्ड जो होते हैं ना वो डेड वर्ड होते हैं यानी जब से हम लैटिन वर्ड का यूज कर रहे हैं तब से लेके आज तक उसमें कोई चेंज नहीं आया है और जिसमें चेंज नहीं आता है वो वर्ड क्या होता है स्टेबल होता है क्या होता है स्टेबल होता है इसलिए हम जब भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो लैटिन वर्ड में लिखते हैं किसमें लिखते हैं भाई लैटिन वर्ड में लिखते हैं क्लियर आगे लैटिन वर्ड जब भी आप बताइए लैटिन वर्ड क्यों यूज करते हैं क्योंकि ये डेड वर्ड है ये स्टेबल वर्ड है क्लियर डेड वर्ड कहने का मतलब है जब भी इसको यूज में जब से इसको यूज में ला रहे हैं तब से लेके आज तक इस वर्ड में किसी भी तरह का चेंज नहीं आया है इसलिए इसको क्या कहते हैं डेड वर्ड कहते हैं ठीक है अब भाई आप किस बुक्स में कहीं पे भी बायोलॉजिकल नेम लिखा हुआ है तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये पोटैटो का बायोलॉजिकल नेम है या किसी भी ऑर्गेनिज्म का बायोलॉजिकल नेम है तो बायोलॉजिकल नेम जब भी प्रिंट करते हैं बुक्स में तो इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं क्या जब भी बायोलॉजिकल नेम को प्रिंट करेंगे तो कैसे प्रिंट करेंगे भाई अगर इसका प्रिंट किया जाएगा बायोलॉजिकल नेम को क्या किया जाएगा प्रिंटेड किया जाएगा तो इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा क्या इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा आप देखिएगा एनसीईआरटी में कोई सा भी बायोलॉजिकल नेम है ना कोई सा भी बायोलॉजिकल नेम है तो वो इटैलिक्स में है इटैलिक्स में कहने का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा होता है ठीक है इस तरह करके ठीक है तो बायोलॉजिकल नेम जब भी प्रिंट होगा तो इटैलिक्स में होगा और सर अगर हम कॉपी में लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम को तब हम कैसे पहचानेंगे तो अगर हैंड रिटेन होगा क्या हैंड रिटेन होगा अगर आप बायोलॉजिकल नेम को हाथ से लिखते हैं हैंड रिटेन लिखते हैं तो बायोलॉजिकल नेम लिख के क्या किया जाता है अंडरलाइन कर दिया जाता है क्या किया जाता है भाई अंडरलाइन कर दिया जाता है तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अगर हैंड रिटेन है तो उसको अंडरलाइन कर देते हैं बायोलॉजिकल नेम को क्या करते हैं अंडरलाइन कर देते हैं आप देखिए हम जीनस लिखे हुए ना सोलेनम तो इसको क्या कर दिए अंडरलाइन कर दिए पिग्रोसम लिखे तो इसको
अंडरलाइन किए कि सोलेनम ट्यूबरोसम को एक साथ अंडरलाइन करती है। अब भाई क्या किए हैं, अलग अलग अंडरलाइन किए हैं। तो जब भी आप बायोलॉजिकल नेम को लिखेंगे हैंड रिटन अपने कॉपी अपने नोट्स पे लिखेंगे सोलेनम ट्यूबरोसम, तो उसको अंडरलाइन करना है, लेकिन सेपरेटली अंडरलाइन करना है। क्या सेपरेटली अंडरलाइन करना है, सोलेनम को अलग अंडरलाइन करना है और ट्यूबरोसम को अलग अंडरलाइन करना है। यानी अगर बायोलॉजिकल नेम अगर आपको प्रिंट करना है तो इटैलिक्स में प्रिंट करना है और हैंड रिटन है तो अंडरलाइन कर देना है, ताकि पता चले कि भाई इसका जो ओरिजिन है वर्ड का वो क्या है, वो लैटिन ओरिजिन है या फिर ग्रीक ओरिजिन। क्लियर? तो जब भी हैंड रिटन लिखते हैं बायोलॉजिकल नेम को तो उसको क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हैं। अगर प्रिंटेड फॉर्म में होता है तो उसको इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। क्लियर? बायोलॉजिकल नेम में दो कंपोनेंट होता है, जीनस होता है और स्पीसीज होता है। क्या जीनस होता है और स्पीसीज होता है। क्लियर? नेक्स्ट, जब भी जीनस लिखते हैं, क्या जब भी जीनस लिखेंगे तो जो फर्स्ट जीनस का लेटर होगा, क्या फर्स्ट जीनस का लेटर होगा, देखो सोलेनम में या फिर मैग्नीफेरा इंडिका में या फिर नाजा नाजा में या फिर रैटस रैटस में, जब भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म का, जब भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं ऑर्गेनिज्म का, तो जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है, जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो क्या होना चाहिए, वो कैपिटल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए। क्लियर? तो जीनस नेम स्टार्टिंग विद कैपिटल लेटर। और जब भी स्पीसीज लिखेंगे तो स्पीसीज वर्ड जो होना चाहिए वो कैसे शुरू होना चाहिए, बोलो ना, स्पीसीज ये स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। कैसे होना चाहिए भाई, स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। तो ये लास्ट रूल हो गया, एक मतलब सेकेंड लास्ट रूल हो गया कि भाई जब भी जीनस या स्पीसीज लिखते हैं तो एक तो सेपरेटली उसको अंडरलाइन कर देते हैं, हैंड रिटन रहता है, तो जब भी जीनस लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, और जब भी स्पीसीज लिखेंगे तो स्मॉल लेटर से लिखते हैं या फर्स्ट लेटर स्मॉल से शुरू करते हैं। ठीक है? अगर आप हायर स्टडीज में पढ़ते हैं और आपको बायोलॉजिकल नेम लिखने का मौका मिलता है, आप मान लो बायोलॉजिकल नेम सही लिखे अंडरलाइन करना भूल गए तो उसको काट दिया जाएगा। जीनस सही लिखे स्पीसीज सही लिखे, लेकिन जीनस को अगर आप स्मॉल लेटर से लिख देते हैं तब भी उसको काट दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ध्यान रखेंगे कभी भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो जीनस कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं और स्पीसीज स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। एक लास्ट नेम है कि भाई वो साइंटिस्ट जो ये बायोलॉजिकल नेम को दिया है, वो साइंटिस्ट जो इस बायोलॉजिकल नेम को दिया है, जैसे मैग्नीफेरा इंडिका, क्या मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम, कौन दिया इसको, लीनियस ने दिया। कितने दिया भाई, लीनियस ने दिया। तो साइंटिस्ट के फर्स्ट थ्री लेटर को लेते हैं, क्या फर्स्ट थ्री लेटर को लेते हैं, एल आई एन लीनियस, या मैग्नीफेरा इंडिका में भी एल आई एन लीनियस। लीनियस ने अपने किस बुक पे, लीनियस ने अपने किस बुक में बोटैनिकल नेम का डिस्क्रिप्शन लिखा है या फिर साइंटिफिक प्लांट नेम को लिखा है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है? लीनियस का दो बुक था, ठीक है, तो दोनों बुक में, कौन से बुक में उन्होंने एनिमल्स के नेम को डिस्क्राइब किया और कौन से बुक में प्लांट्स के नेम को डिस्क्राइब किया, आपको बताना है। यहाँ पे देखिए लीनियस, तो लास्ट में क्या लिख देना है, यहाँ पे लीनियस लिख देना है। क्लियर? मैग्नीफेरा इंडिका वाला में लीनियस का बस थ्री लेटर लिखना है, एल आई एन एल आई एन, और इस लीनियस को एल आई एन को, देखो जनरली साइंटिस्ट का नाम लिखते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक रूल है कि लिखना चाहिए, ऐसा समझ में, तो एल आई एन ऐसे लिख दिया जाता है। और इस नाम को ना ही अंडरलाइन करेंगे और ना ही इटैलिक्स में लिखेंगे, क्योंकि नाम आपका मेरा किसी भी साइंटिस्ट का, ये तो ग्रीक या लैटिन ओरिजिन नहीं है ना, इसीलिए नाम को क्या नाम को नाइदर अंडरलाइन नॉर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। तो ये था बायोलॉजिकल नेम का कुछ रूल। क्लियर? तो बायोलॉजिकल नेम का कुछ रूल था, ये क्लियर हो गया उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या है टैक्सोनॉमिकल एड्स? टैक्सोनॉमी क्या है भाई, टैक्सोनॉमी क्या है, रूल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। क्या सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाता है, टैक्सोनॉमी कहलाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन था या टैक्सोनॉमी था, उससे फायदा क्या था, हमको अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हेल्प मिलता था। क्या अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानने में हेल्प मिलता है।
अब हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या पढ़ेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। टैक्सोनॉमिकल एड्स, AIDS, एड्स का मतलब होता है आसान बनाने वाला। समझ में आ गया एड का क्या मतलब होता है? जो आसान कर दे। तो जो टैक्सोनॉमी को आसान बनाता है उसको क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। मतलब जो आपको ऑर्गेनिज्म को पहचानने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए, उसको क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन को जो आसान करते हैं उसको क्या कहेंगे? टैक्सोनॉमिकल एड्स। तो आपको यही पढ़ना है, टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्लियर? टैक्सोनॉमिकल एड्स। अबे ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम नहीं है, ठीक है? ये एड्स है, एड, ये एड है, एड। समझना क्या? ए में जो ऐड आता है ना वही वाला एड्स। ये बहुत सारा एड्स है, मतलब जो चीजों को आसान बनाता है। अब एड आप टीवी पे देखते हैं वो क्या करता है? प्रोडक्ट को सेल करने में आसान बनाता है, ठीक है? आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आसानी से जान जाते हैं। वैसे ही टैक्सोनॉमी को भी, मतलब ऑर्गेनिज्म को भी आसानी से क्लासिफाई करने के लिए साइंटिस्ट क्या बनाती है? टैक्सोनॉमिकल एड्स बनाते हैं, ठीक है? टैक्सोनॉमिकल एड्स के पास पहले से ही गिवन डाटा रहता है। क्या? पहले से ही डाटा रहता है कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो या फिर एनिमल हो, उसका पहले से ही क्या रहता है टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, पहले से उसके पास डाटा रहता है, ठीक है? तो अगर आप किसी ऑर्गेनिज्म को देखते हैं, पहचानते हैं, तो आप उसको उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स को मिलाएंगे। अगर वैसा कैरेक्टर पहले से ही खोजा जा चुका है, इसका मतलब उसको क्लासिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है, आप उसको एक सर्टेन ग्रुप में डाल सकते हैं। अगर नहीं खोजा जा चुका है तो फिर उसके लिए एक नया ग्रुप बनाएंगे। यही तो मेथड है, क्लियर? वैसे ही टैक्सोनॉमिकल एड्स जो है ना, मदद पहुंचाएगा आपको क्लासिफिकेशन में फॉर नॉन ऑर्गेनिज्म या फॉर अननोन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमिकल एड्स आपको ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करेगा। तो बताइए ना, नॉन ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करेगा या अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानने में मदद करेगा? हाँ भाई, आपके पास पहले से ही जो डाटा प्रिपेयर है उसको देख के आप किसी ऑर्गेनिज्म को पहचानिएगा, तो नॉन ऑर्गेनिज्म को पहचानिएगा या अननोन ऑर्गेनिज्म को पहचानिएगा? हाँ भाई, नॉन ऑर्गेनिज्म को या अननोन ऑर्गेनिज्म को? नॉन ऑर्गेनिज्म को। अरे भाई, आपको पहले से ही किसी का कैरेक्टर पता है, वो बात अलग है कि वो पता है और वो किताब में है, समझना गया, बुक्स में, तो वो नोन हुआ या अननोन हुआ आपके लिए? वो नोन हुआ आपके लिए, समझना गया भाई? आपको नहीं पता था, किसी दूसरे ह्यूमन को तो पता था। तो टैक्सोनॉमिकल एड्स इसके लिए होता है भाई, फॉर नोन ऑर्गेनिज्म। इसके लिए फॉर नोन ऑर्गेनिज्म, फॉर नोन ऑर्गेनिज्म क्या होता है? पहले से डाटा रहता है किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए कि भाई ये ऑर्गेनिज्म, ये प्लांट, ये एनिमल ऐसा होता है, इसके पास ये सर्टेन कैरेक्टर्स होते हैं। समझ में आ गया? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स फॉर नॉन ऑर्गेनिज्म, ये नॉन ऑर्गेनिज्म के लिए। इसमें करते क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन, कलेक्शन ऑफ, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं ना? हाँ भाई, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं ना? एनसीईआरटी में कोई भी डाउट है आप जरूर पूछेंगे, ऐसा नहीं कि कोई नहीं पूछ रहा है तो हम कैसे पूछे। आपका अगर डाउट है तो आप ही पूछेंगे, कोई दूसरा नहीं पूछेगा उसको आपके लिए, क्लियर? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, plants and animal species is essential and prime source, essential and prime source of taxonomic study. Taxonomic study. टैक्सोनॉमी क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेन ऑफ प्लांट, प्लांट या एनिमल का एक्चुअल स्पेसिमेन होता है जो टैक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, क्लासिफिकेशन स्टडी के लिए क्या होता है? इसेंशियल होता है, उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या होता है? टैक्सोनॉमिकल एड्स।
ये जो बायोलॉजिस्ट है ना, बहुत सारे बायोलॉजिस्ट मिलके सर्टेन प्रोसीड्योर एंड टेक्निक्स बना के रखते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के स्पेसिमेन को फ्यूचर स्टडी के लिए कैसे हम स्टोर करके रख सकते हैं, कंजर्व करके रख सकते हैं या प्रिजर्व करके रख सकते हैं। प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में क्या अंतर है? हाँ भाई, अचार को आप प्रिजर्व करते हो और टाइगर को आप कंजर्व करते हो, समझ में आ गया? नॉन लिविंग सब्सटेंस को अगर ज्यादा लंबे समय तक रखना है तो प्रिजर्वेशन, और लिविंग सब्सटेंस को लंबे समय तक रखना है साथ ही साथ उसके नंबर्स को बढ़ाना है तो कंजर्वेशन, समझ में आ गया? तो खैर, इसमें प्रिजर्वेशन भी किया जाता है और कंजर्वेशन भी किया जाता है ऑर्गेनिज्म का। म्यूजियम में क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को, कंजर्व करते हैं या प्रिजर्व करते हैं? म्यूजियम में क्या करते हैं? म्यूजियम में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि सारा डेड मटेरियल है। और बोटेनिकल गार्डन में, जूलॉजिकल पार्क में, चिड़ियाघर में या बोटेनिकल गार्डन में ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं? कंजर्व करते हैं, समझ में आ गया? उसके नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको ह्यूमन के देख रेख में रखते हैं। तो खैर, प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन में डिफरेंस है, ठीक है? तो बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे प्रोसीड्यूर्स, ऐसे टेक्निक्स यूज किए हैं जिससे ऑर्गेनिज्म को प्रिजर्व किया जा सके इन्फॉर्मेशन के लिए और फ्यूचर स्टडीज के लिए। उसको बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स। क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिकल एड्स। जैसे टैक्सोनॉमिकल एड्स में क्या क्या आता है? तो भाई, टैक्सोनॉमिकल एड्स में कौन कौन सा एड्स आता है? तो टैक्सोनॉमिकल एड्स में सबसे पहले हम पढ़ेंगे हार्पेरियम। क्या पढ़ेंगे? हार्पेरियम। नेक्स्ट हार्पेरियम के बाद क्या पढ़ेंगे? बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन के बाद क्या पढ़ेंगे? जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क के बाद क्या पढ़ेंगे? हर्बेरियम पढ़ेंगे, फिर बोटैनिकल गार्डन पढ़ेंगे, फिर जूलॉजिकल पार्क पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे म्यूजियम। क्या पढ़ेंगे? म्यूजियम। और म्यूजियम के बाद सबसे लास्ट में क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे की। क्या पढ़ेंगे? की, ठीक है? की में कुछ रिटन स्टेटमेंट होता है ऑर्गेनिज्म को, सारे ऑर्गेनिज्म को क्या करना, पास में रखना, उसके कैरेक्टर्स को साथ में रखना पॉसिबल नहीं है ना। तो की क्या है? रिटन स्टेटमेंट है। की क्या है? रिटन स्टेटमेंट है ऑर्गेनिज्म को पहचानने का। अब जैसे एक साइंटिस्ट गया अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म आ गया, रिटन स्टेटमेंट लेके आया वो, अगर ऑर्गेनिज्म को लेके नहीं आ सकता था। अब रिटन स्टेटमेंट से ही पता लगा लेंगे कि भाई ऑर्गेनिज्म कैसा है, इसका क्लासिफिकेशन कहाँ पे होना चाहिए, क्लियर है? तो हर्बेरियम पढ़ना है, बोटैनिकल गार्डन पढ़ना है, जूलॉजिकल पार्क पढ़ना है, म्यूजियम पढ़ना है और की पढ़ना है। समझ में आ गया? टेक्सोनॉमिकल एड्स किसके लिए? फॉर नॉन ऑर्गेनिज्म और अननोन ऑर्गेनिज्म, फॉर नॉन ऑर्गेनिज्म, क्लियर? तो सबसे पहले हेडिंग देंगे हर्बेरियम। क्या? हर्बेरियम लिखिए। हर्बेरियम क्या है? हर्बेरियम स्टोर हाउस है प्लांट स्टेटमेंट, प्लांट स्पेसिमेन। हर्बेरियम क्या है? एक स्टोर हाउस होता है। देखिए एनसीईआरटी में अगर आप डायग्राम देखिएगा ना, तो हर्बेरियम का डायग्राम बनाया हुआ है। एक स्टोर हाउस है, कमरा है, ठीक है? बहुत सारा गोदरेज रखा हुआ है और बहुत सारे गोदरेज में ना एक ऐसे करके सीट रखा हुआ है, और इस सीट पे आपको प्लांट स्पेसिमेन दिखाई दे रहा हो, देखिए हर्बेरियम में। तो हर्बेरियम क्या है भाई? हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन, क्लियर? हर्बेरियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन। अब प्लांट स्पेसिमेन को कैसे रखते हैं? ऐसे ही रोज उसमें पानी देंगे? हाँ भाई, पॉट में, गमला में रखेंगे? नहीं, हम उसको सुखाते हैं, प्रिजर्व करते हैं और सीड पे चिपका देते हैं। क्या? सुखाते हैं और एक सीट पे चिपका देते हैं। प्लांट स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड
that are dried, pressed and preserved. देखो भैया प्रिजर्व बोल रहे हैं मतलब समझ जाना, लिविंग मटेरियल रख रहे हैं या नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल प्रिजर्व इन सी इमेज, प्रिजर्व ऑन द सी, प्रिजर्व ऑन द क्लियर है। तो हर्बेरियम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन है, जिसमें मतलब ये स्टोर हाउस है प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के लिए, जिसमें हम क्या करते हैं ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व प्लांट पार्ट को रखते हैं, क्या ड्राइड प्रेस्ड प्रिजर्व प्लांट पार्ट को रखते हैं। जैसे मान लो तुम जाते हो हिमालय पर, डिफरेंट डिफरेंट तरह का प्लांट दिखता है वहाँ का, तुमको मन करता है कि हम फ्लोरल कैरेक्टर्स को लाएं और अपने स्टूडेंट को पढ़ाएं, आप पेड़ को लेके आते हैं गमला में लगा के और एक दूसरे नेचुरल क्लाइमेट से लाएं और यहाँ के यानी बिहार के नेचुरल क्लाइमेट्स में रख देंगे, क्या प्लांट ग्रो करेगा, ग्रो नहीं करेगा। तो क्या आप उसके बारे में नहीं जान सकते, नहीं सीख सकते, बिल्कुल जान सकते हैं और सीख सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए इस प्लांट से, अगर मान लो फ्लावर आपको अच्छा लग रहा है, फ्लावर के कैरेक्टर्स को देखना है तो फ्लावर को तोड़ के लाइए, अगर लीफ अच्छा लग रहा है मतलब लीफ के कैरेक्टर्स के बारे में जानना है तो लीफ को आप बस एक लीफ को तोड़ के लाइए, उसको बुक के अंदर डाल देते हैं तो क्या हो जाता है वो प्रेस्ड हो जाता है, कंप्रेस्ड हो जाता है और सूख भी जाता है, समझ में आ गया। अब उस ड्राइड प्रेस्ड प्लांट पार्ट को क्या करना है आपको, क्या ड्राइड प्रेस्ड प्लांट पार्ट को क्या करना है, एक सीट पे चिपका देना है, किस पे चिपका देना है, सीट पे चिपका देना है, एक कागज का सीट होता है कार्डबोर्ड टाइप का, ठीक है मोटा सा, मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इस तरह से ये सीट रहता है, तो ड्राइड लीफ को मान लेते हैं, इमेजिनेशन कीजिए कि प्लांट के लीफ को हम यहाँ पे चिपका दिए, ये लीफ अपने बिहार में नहीं होता है, कहाँ पे होता है, इमेजिनेशन कहाँ पे होता है भाई, हिमालय के वेस्टर्न घाट में होता है। तो हम बस एक लीफ को वहां से तोड़ के आते हैं, ड्राई कर देते हैं, प्रेस्ट कर लेते हैं और फिर इस प्लांट पार्ट इस हर्बेरियम सीट पे चिपका देते हैं। हर्बेरियम सीट कागज का ही होता है, थोड़ा सा मोटा कागज का टुकड़ा होता है, लेकिन इसका जो लंबाई होता है ना हर्बेरियम सीट का, ये लंबाई फिक्स है, इसका लंबाई कितना होता है 16.5 इंच, कितना होता है भाई 16.5 इंच या 41 सेंटीमीटर, कितना होता है 16.5 इंच या 41 सेंटीमीटर इस हर्बेरियम सीट का लंबाई होता है। इस हर्बेरियम सीट का चौड़ाई कितना होता है, तो हर्बेरियम सीट का चौड़ाई होता है 11.5 इंच, कितना होता है भाई 11.5 इंच या कितना सेंटीमीटर भाई 29 सेंटीमीटर, कितना होता है 29 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हर्बेरियम सीट पे इसको चिपका दिया जाता है प्रिजर्व प्लांट पार्ट को, और वो जो साइंटिस्ट या वो जो पर्सन जो इसको कलेक्ट किया था, क्या कलेक्ट किया था, वो कब कलेक्ट किया था, उसका डेट यहाँ पे साइड में राइट साइड में कॉलम बना होता है, ठीक है, उसका डेट यहाँ पे लिखेगा, तो फलाने तारीख को हम यहाँ से ऑब्टेन किए थे, प्लेस ऑफ कलेक्शन लिख देगा तुम्हें, तो कहाँ से आप कलेक्ट किए थे, प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से इस प्लांट पार्ट को कलेक्ट किए थे, तो प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखना जरूरी है, क्या प्लेस ऑफ कलेक्शन लिखना जरूरी है, डेट लिखना जरूरी है, उस प्लांट्स का इंग्लिश नेम अगर आपको पता है तो इंग्लिश नेम लिख लीजिए, क्या इंग्लिश नेम नहीं पता है तो पता कीजिए क्योंकि इंग्लिश नेम तो लिखना ही है। उसके बाद वहां का लोकल नेम लिख लेते हैं, किसी से पूछ के कि भाई ये क्या है तो आपको बता देगा लोकल नेम, क्लियर। तो हर्बेरियम सीट पे सबसे पहले डेट, फिर प्लेस ऑफ कलेक्शन हिमालय, फिर इंग्लिश नेम, फिर लोकल नेम, ठीक है, फिर बोटैनिकल नेम, तीनों नाम आपको लिखना जरूरी है, फिर क्या कीजिए बोटैनिकल नेम, बोटैनिकल नेम के बाद अगर आपको जैसे ही बोटैनिकल नेम पता चलता है और प्लांट्स का, ठीक है, तो आपको उसका फैमिली भी पता चल जाएगा, क्या पता चल जाएगा, फैमिली भी पता चल जाएगा, आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ चुके हैं ना ये केपीसी ऑफ जीएस, देखो किसी भी ऑर्गेनिज्म का किंगडम होता है, फाइलम या डिवीजन होता है, क्लास होता है, ऑर्डर होता है, फैमिली होता है, जीनस होता है और स्पीसीज होता है। तो बोटैनिकल नेम लिखते हैं तो हमको जीनस और स्पीसीज मिल जाता है ऑर्गेनिज्म का, और वहां पे हर्बेरियम सीट पे क्या लिखते हैं, फैमिली भी लिख देते हैं उस ऑर्गेनिज्म का या उस प्लांट का, ऑर्गेनिज्म नहीं, हर्बेरियम से सीट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्लांट के लिए होता है।
तो भाई फैमिली लिख देते हैं, आपने अगर कनेक्ट किया तो अपना नाम लिखिए, और अगर मैंने कनेक्ट किया तो हम अपना नाम लिख देंगे। हाँ भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कलेक्टर नेम, कौन उसको क्या किया, कलेक्ट किया, जयवर्धन ने कलेक्ट किया, तो लिखा जाएगा क्या, जयवर्धन। और यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या लिखेंगे, हैबिटेट। हैबिटेट कहने का मतलब है कि भाई उसको कहाँ से ले रहे हैं, उसका आवास स्थान कहाँ पे है, डैम एंड सैडी प्लेस से लिए हैं, या फिर जहाँ वाटर स्कार्सिटी है वहां से लिए हैं, या सॉइल से लिए हैं, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट दे देंगे क्या, हैबिटेट। अब इमेजिनेशन करो, अगर तुमको हमको पढ़ाना है कि भाई देखो ये संजीवनी बूटी है ना, सिलेजनीला का ये प्लांट का कैरेक्टर, तो आप संजीवनी दिखाने हम आपको हिमालय पे तो नहीं ले जाएंगे ना, हम क्या करेंगे, अल्बेनियम सीट पे संजीवनी चिपकाए हुए हैं, बस हम आपको दिखा देंगे कि देखो भाई इसको हम हिमालय से लिए, इतने तारीख को लिए, इसका इंग्लिश नेम सिलेजनीला होता है, लोकल नेम संजीवनी होता है, सॉरी इंग्लिश नेम सिलेजनीला और बोटेनिकल नेम भी सिलेजनीला होता है, ठीक है, फैमिली इसका पता नहीं, और कलेक्टर नेम इसका जयवर्धन, और हैबिटेट इसका क्या है, हिमालय। तो इस तरह से कुछ हम प्लांट का क्या कर लिए, कुछ कैरेक्टर लिख लिए, नेम लिख लिए, और आपको दिख जाएगा यहाँ पे भाई इसका लीफ कैसा होता है, क्लियर है। तो ये सब चीज आप कर सकते हैं हर्बेरियम सीड के हेल्प से, क्लियर। तो हर्बेरियम सीड क्या किया कि टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए यानी क्लासिफिकेशन के लिए एक क्विक रेफरेंस दे दिया आपको, क्या दे दिया, क्विक रेफरेंस दे दिया कि भैया आपको समझना है सिलेजनीना के बारे में, टेक्सोनॉमी करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है, आप सिलेजनीना देखना चाहते हैं तो हर्बेरियम सीड को देख लीजिए, आपको इसमें सारा कैरेक्टर्स पता चल जाएगा। यानी कि जो हर्बेरियम है ये क्विक रेफरल सिस्टम है टेक्सोनॉमिक स्टडी के लिए, क्या है, क्विक रेफरल टेक्सोनॉमिक स्टडीज के लिए क्विक रेफरल सिस्टम है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ड्राइंग में लिखेंगे कि हर्बेरियम क्या है भाई, इट इज अ क्विक रेफरल सिस्टम, it is quick reference system in taxonomic study, taxonomic study में के लिए ये quick reference system, clear। चलिए next क्या भाई, हर्बेरियम के बाद क्या है, बोटैनिकल गार्डन, क्या है, बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन अपने इंडिया में है, जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में उसका नाम लिख दिया है इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा। एक्चुअल में उसका पूरा नाम क्या है, जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटैनिकल गार्डन हावड़ा, ठीक है। वहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट तरह के इंडिया में मैक्सिमम जो भी प्लांट डाइवर्सिटी प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज पाए जाते हैं वो सब वहां पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, कहां पे, बोटैनिकल गार्डन में। सर बोटैनिकल गार्डन क्विक रेफरेंस सिस्टम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्यों, अब मान लो हम तुमको पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में कोई बात, तो यहाँ पे हर्बेरियम सीट रखना मेरे लिए क्या है, आसान है, लेकिन इंस्टीट्यूट के पीछे बोटैनिकल गार्डन लगाना आसान नहीं है। यानी आसानी से तुरंत हम आपको क्या दिखा सकते हैं, हर्बेरियम दिखा सकते हैं, इसीलिए हर्बेरियम को क्या कहते हैं, क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज कहते हैं। बाकी बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम भी है, जूलॉजिकल पार्क भी है, की भी है, उसको क्विक रेफरल सिस्टम नहीं कह सकते, क्लियर है। की जो होता है वो एनालिटिकल नेचर का होता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ज्यादा सोचना पड़ेगा, लेकिन हर्बेरियम के साथ ऐसा नहीं होगा, तुरंत आप पता लगा सकते, इसलिए हर्बेरियम का क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिक स्टडीज ये पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्विक रेफरल सिस्टम स्टडी फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडी, आपको आंसर देना होगा, बोलो ना क्या देना होगा आंसर, हर्बेरियम, चार ऑप्शन दिखेगा, हर्बेरियम, बॉटेनिकल गार्डन, की और जूलॉजिकल पार्क, क्या आंसर टिक करेंगे, हर्बेरियम। चलिए नेक्स्ट आते हैं बोटैनिकल गार्डन, क्या, बोटैनिकल गार्डन, बोटैनिकल गार्डन, हाँ क्या है बोटैनिकल गार्डन, यहाँ पे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट, यहाँ पे प्लांट्स का, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन किया जाता है फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। तो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट
फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन क्या कहलाता है? बोटैनिकल गार्डन होता है। क्लियर? ये जो बोटैनिकल गार्डन में जो भी प्लांट आप लगाते हैं, ये मान लीजिए बोटैनिकल गार्डन का प्लांट है, जाते हैं देखने, तो इस प्लांट पे ही एक लेवलिंग लगा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? एक लेवलिंग लगा दिया जाता है। अच्छी जगह बैठा देते हैं, एक लेवलिंग लगा देते हैं इस प्लांट पे। ठीक है, एक नहीं दो लेवलिंग लगाते हैं सर। ठीक है, दो लेवलिंग लगा देते हैं, एक होता है ऊपर एक्स और दूसरा होता है वाई। ये जो एक्स होता है ना, ये बताता है बोटैनिकल नेम। प्लांट के पास क्या होता है? जूलॉजिकल नेम या बोटैनिकल नेम? प्लांट के पास होता है बोटैनिकल नेम। तो ये प्लांट है तो इसके पास होगा बोटैनिकल नेम। प्लांट का बोटैनिकल नेम यहाँ पे लिख देते हैं। प्लांट पे एक स्टिकर चिपका के मारा हुआ रहता है ना, स्टिकर में तो कागज का नहीं, ये टीना का रहता है, लोहा का रहता है। तो ये बोटैनिकल नेम यहाँ पे लिखा रहता है, और दूसरा उस प्लांट का फैमिली लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? फैमिली। सोलनेसी का है, लिलियेसी का है, ठीक है, ब्रैसिकेसी का है, ये सब फैमिली का नेम है। हम पढ़ेंगे आगे डिटेल में। तो बोटैनिकल नेम वर्ड वाई मतलब क्या? फैमिली नेम यहाँ पे लिखा रहता है। बोटैनिकल गार्डन का है कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए प्लांट, लिविंग प्लांट को कलेक्ट करना या लिविंग प्लांट को कंजर्व करना क्या कहलाता है? बोटैनिकल गार्डन कहलाता है। बोटैनिकल गार्डन एनसीईआरटी में बस दो बोटैनिकल गार्डन का नाम दिया हुआ है, वो आपको याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता है। समझ में आ गया? चलिए, तो दो बोटैनिकल गार्डन है, और भी होगा लेकिन एनसीईआरटी दो का ही चर्चा कर रहा है, उनको दो ही पढ़ना है। समझना है? एक है रॉयल बोटैनिकल गार्डन। क्या भाई? रॉयल बोटैनिकल गार्डन। कहाँ पे है रॉयल बोटैनिकल गार्डन? क्यू इंग्लैंड में। कहाँ पे है भाई? इंग्लैंड। क्लियर? रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे है? इंग्लैंड में। और दूसरा है इंडियन बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन इंडियन बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे भाई? हावड़ा में है। हावड़ा मतलब कहाँ? वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे भाई? वेस्ट बंगाल में, इंडिया के वेस्ट बंगाल में है इंडियन बोटैनिकल गार्डन। क्लियर? तो ये आपको दोनों नाम याद रखना है। इंडियन बोटैनिकल गार्डन का पूरा नाम क्या है? जगदीश चंद्र बोस बोटैनिकल गार्डन। इंडियन बोटैनिकल गार्डन से अपना काम चल जाता है हावड़ा में। रॉयल बोटैनिकल गार्डन कहाँ पे? क्यू इंग्लैंड में। ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट एक नाम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है? नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ पे है? बोलो भाई, एनसीईआरटी देख के बताओ। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। कहाँ पे है? लखनऊ में। ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा क्वेश्चन, नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? लखनऊ में। क्लियर? आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में मिलते हैं। लेकिन उसके पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। हर्बेरियम सीड बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हर्बेरियम सीड का जो लंबाई था वो कितना होता है? 16.5 इंच यानी 41 सेंटीमीटर। हर्बेरियम सीड का जो चौड़ाई होता है वो कितना होता है? 11.5 इंच मतलब 29 सेंटीमीटर। आपको याद रखना है। हर्बेरियम सीड पे डिस्क्रिप्शन रहता है, क्या क्या लिखा रहता है? डेट, प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश नेम, लोकल नेम, बोटैनिकल नेम। उसके बाद देखो, पहले तो डेट हो गया, उसके बाद प्लेस ऑफ कलेक्शन हो गया, उसके बाद इंग्लिश नेम, लोकल नेम और प्लेस ऑफ सॉरी इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बोटैनिकल नेम, देन फैमिली नेम। ठीक है, देन क्या हो जाएगा? कलेक्टर नेम, कौन इसको कलेक्ट किया, फिर हैबिटेट, ये क्या है। तो ये हो गया हर्बेरियम सीड का पूरा रिवीजन, आप याद रखेंगे। हर्बेरियम सीड क्या है? क्विक रेफरल सिस्टम फॉर टैक्सोनॉमिक स्टडीज है। बार बार बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, इतना तो समझदार आता है। वेरी गुड। उसके बाद हम आ जाते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के लिए। ठीक है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में सबसे पहला नेम, पहला रूल है कि भाई किसी भी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में दो
कंपोनेंट होता है, दो वर्ड होता है, पहला हो जाता है जीनस और दूसरा होता है स्पीसीज। क्या जीनस और दूसरा क्या होता है? स्पीसीज होता है। नेक्स्ट, जब भी जीनस लिखते हैं कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जब भी स्पीसीज लिखते हैं स्मॉल लेटर से शुरू करते हैं। जीनस और स्पीसीज जनरली लैटिन या ग्रीक वर्ड होता है, इसी कारण इसको जब भी प्रिंट करते हैं इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं। कैसा? इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, और जब भी हैंड रिटन लिखते हैं तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन कर दिया जाता है। क्या? सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। एनिमल्स के जूलॉजिकल नेम में या एनिमल के बायोलॉजिकल नेम में टॉटोनिम पॉसिबल है, एक ही वर्ड को दो बार लिखा जा सकता है एज अ जीनस और एज अ स्पीसीज, लेकिन प्लांट के केस में ऐसा नहीं है, टॉटोनिम वहां पे पॉसिबल नहीं होता है। प्लांट में बस एक वर्ड को एक ही बार यूज किया जा सकता है, जैसे सोलेनम, सोलेनम नहीं हो सकता है, सोलेनम ट्यूबरोसम हो सकता है, समझ में आ गया। लेकिन एनिमल में नाजा नाजा पॉसिबल है। क्लियर? जब भी बायोलॉजिकल नेम लिखते हैं तो उसके लास्ट में साइंटिस्ट जो भी नाम दिया रहता है उस साइंटिस्ट का तीन लेटर लिख देते हैं LIN, ना ही उसको अंडरलाइन किया जाता है और ना ही उसको इटैलिक्स में प्रिंट किया जाता है। क्यों आपको पता है? क्योंकि नाम तो सर लैटिन या ग्रीक ओरिजिन तो नहीं है। उसके बाद हम बोटैनिकल गार्डन पे आ जाते हैं। बोटैनिकल गार्डन में आपको याद रखना है प्लांट पे डिस्क्रिप्शन रहता है, पहला बोटैनिकल गार्डन नेम का और दूसरा फैमिली का नाम उस पे रहता है, प्लांट पे स्टिकर चिपका के उसके साथ देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, बोटैनिकल गार्डन क्या है भाई? तो ये कलेक्शन हाउस है लिविंग प्लांट्स का, जहाँ पे प्लांट्स को ग्रो किया जाता है आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। बोटैनिकल गार्डन, दो बोटैनिकल गार्डन का नाम दिया हुआ है, एक रॉयल बोटैनिकल गार्डन क्यू जो कि इंग्लैंड में, और इंडियन बोटैनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में है, वेस्ट बंगाल। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। नेशनल बोटैनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे? लखनऊ में है, इंडिया में, ये बस आपको याद। चलिए, एनसीईआरटी आप जरूर 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 पढ़ रहे हैं,